नमस्कार, मैं शालिनी सिंह, आप देख रहे हैं टाइम न्यूज। आइए देखते हैं आज की प्रमुख खबरें। स्मार्ट सिटी के साथ सुरक्षित सिटी बनाएंगे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। चार लोगों ने की आत्महत्या की कोशिश, एक की मौत। डेंगू का वायरस से पीड़ित हुए सैकड़ों लोग। फागवाड़ा में विशाल भगवती जागरण, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूका पुतला। कल्याण डोंबिवली में विकास परिषद नामक आयोजन कार्यक्रम में स्मार्ट सिटी को लेकर मार्गदर्शन, हमारे संवाददाता शिवशंकर तिवारी की रिपोर्ट। रेल्वे किंवा मुंबईत जर जावं लागलं तर स्मार्ट सिटीचा फायदा काय आहे? स्मार्ट सिटी मध्ये स्मार्टनेस तेव्हाच येतो ज्यावेळी त्या ठिकाणी रोजगाराच्या संधी तयार होतात। मी तुम्हाला विश्वास देतो की आज आपण या ठिकाणी कल्याणची जी गावं आपण त्या ठिकाणी त्याचा नवीन आराखडा तयार केला आणि हा आराखडा तयार केल्यानंतर त्या गावातली जी मागणी आली त्याप्रमाणे राज्य सरकारने निर्णय घेतला। आता कोर्ट काय करायचं ते करेल, पण आमचं कमिटमेंट आहे की या 27 गावांचा विकास झाला पाहिजे। 1,000 कोटी रुपये या 27 गावांना दिले आहेत आणि पैसा कमी पडून देणार नाही। पण हे जे ग्रोथ सेंटर आम्ही तयार करतो, हे ग्रोथ सेंटर काय आहे? हे ग्रोथ सेंटर या कल्याण डोंबिवलीच्या सगळ्या भागातल्या माझ्या तरुणाईला रोजगाराचं केंद्र या ग्रोथ सेंटरच्या माध्यमातून आम्ही तयार करणार आहोत। जोपर्यंत कल्याण डोंबिवलीच्या परिसरामध्ये 1,00,000 जास्त एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटीज या आम्ही तयार करणार नाही, तोपर्यंत आमच्या मुलांना बाहेरच नोकऱ्यांकरता जाव्या लागेल। आणि म्हणून या ग्रोथ सेंटरच्या माध्यमातून पहिल्या टप्प्यात 1,00,000 आणि त्याच्यानंतर मी तर आपल्याला म्हणतो की त्याची मोजदात करता येणार नाही। कर्ज के बोझ में डूबे हुए एक ही परिवार के चार लोगों ने की आत्महत्या की कोशिश, एक की मौत। हमारे संवाददाता शिवशंकर तिवारी की रिपोर्ट। मुंबई के चार कोस स्वयंभू सिद्ध सोसाइटी में रहने वाले हरीश सोनी पिछले कई महीनों से कर्ज में डूबे होने के कारण परेशान थे। शाम को हरीश सोनी अपनी पत्नी रूपम सोनी और बेटी कनिष्क भूमिका के साथ घर पर बैठकर कर्ज नहीं भर पाने की चर्चा और फिर सबने मिलकर यह फैसला किया कि हरीश सोनी चूहा मारने वाली दवा लाए और पहले अपनी दोनों लड़कियों को पिला दिया और फिर बाद में खुद पी ली और पत्नी को भी पिला दी, जिसमें हरीश सोनी की पत्नी रूपम सोनी की मौत हो गई जबकि बाकी के तीनों का इलाज चल रहा है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। प्लॉट नंबर 452 पर हिस्से जो है रूम नंबर 45 में, जो कि इनके मालिक का नाम है एकनाथ चौहान, तो इनका ये रूम है। अभी वो 2-4 महीने पहले मेरे घर से आए वहाँ रहने के लिए, इनका ऑफिशियल है लेकिन हमारे पास कुछ भी उसका मतलब पेपर कोई भी नहीं है हमारे पास दिया हुआ। उनके आपको पता है उनके घर में चार लोगों ने जहर पी लिया है? नहीं, आज हम लोग जब पेपर पढ़ा, आज हम लोग पेपर में पढ़े तब हम लोग को मालूम पड़ा कि भाई इधर ऐसा ऐसा हुआ है करके, तब तक हमको कुछ भी मालूम नहीं था। पंजाब के फागवाड़ा में डेंगू वायरस से त्राही त्राही मची, काबू के लिए प्रयास। हमारे संवाददाता दिनेश शर्मा की रिपोर्ट। पंजाब के फगवाड़ा में डेंगू वायरल बुखार से त्राही त्राही मची हुई है। गत 3 सप्ताह पहले उच्च बुखार से पीड़ित की संख्या 320 के लगभग आकर आंकड़ा पार कर गई है और उच्च बुखार का प्रकोप रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। पर्याप्त जानकारी के अनुसार वायरल व डेंगू बुखार फगवाड़ा के कई क्षेत्रों में बुरी तरह फैला हुआ है। अस्पताल में बुखार से पीड़ित मरीजों की संख्या को देखते हुए अस्पताल प्रशासन की नींद उड़ गई है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि वह अगर अपने आप को बुखार से ग्रस्त महसूस करते हैं तो निजी अस्पताल में जाने के बजाय सीधे सिविल अस्पताल में अपना इलाज कराएं। कुछ दिनों तो सिविल अस्पताल फगवाड़ा फगवाड़ा इलाके के अलग अलग एरिया मरीज बुखार के नाल सिर दर्द पेट दर्द उल्टियां आ रहे हैं, जिन्हों का कि असं चैकअप करते हैं। उन्होंने जिन्हों सिमटम इदा के पाए जाते हैं उन्हों का सिविल अस्पताल के CBC टेस्ट, जिन्हों की आम तौर पर प्लेटलेट टेस्ट, एक सरोलॉजी डेंगू डी टेस्ट मुफ्त किया जाता है। उन्होंने मरीजों का इलाज भी मुफ्त किया जाता है। उन्होंने रोज़ लगातार साढ़े को 8 से 10 मरीज नवे रोज़ बुखार के आते हैं। उन्होंने अज भी अच्छ संडे एतवार होने करके अज 13 मरीज सिविल अस्पताल फगवाड़ा आए हैं। पंजाब के फागवाड़ा शिव शक्ति सेवा मंडल द्वारा विशाल भक्ति जागरण का आयोजन। हमारे संवाददाता दिनेश शर्मा की रिपोर्ट। पंजाब के फागवाड़ा में शिव शक्ति सेवा मंडल द्वारा 8वां विशाल भगवती जागरण बड़ी ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस जागरण में पंजाब के मशहूर कलाकारों ने मां के दरबार में आकर हाजिरी परवान की। मां के दरबार की सजावट बड़ी ही सुंदर तरीकों से देखकर सबका मन मोहित हो रहा था।
मुख्य अतिथि की स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया। सितारागंज की सिसेही खेड़ा चौराहे पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुतला फूंका। हमारे संवाददाता संजय शर्मा की रिपोर्ट। देखिए सुबह हसीना वाइफ ऑफ अबरार हॉस्पिटल में उसके अत्यंत चमचा उसके लिए लाए थे, हॉस्पिटल में लाए थे और डिलीवरी के दौरान जच्चा और बच्चे की जो है मृत्यु हो चुकी है और इसके परिजनों का ये कहना है, मृतका के परिजनों का कहना है कि डॉक्टर्स की लापरवाही से ही मृत्यु हुई है। इस संबंध में जांच की जा रही है और सीएमओ साहब ने भी कहा है कि मैं अपने स्तर से भी जांच कराऊंगा। अबरार की पत्नी जो भिडोरा की रहने वाली है उनका डिलीवरी का मामला था जिसमें बच्चा और उसके माँ की मृत्यु हो गई है। इसमें परिवारजनों का ये कहना है कि डॉक्टरों के द्वारा लापरवाही से जच्चे बच्चे की मृत्यु हुई है। तो इस संबंध में यहाँ पर लोगों का रोष था, उस संबंध में फिर लोगों से वार्ता हुई। वार्ता के बाद उसमें जांच के लिए रिकमेंड कर रहे हैं और परिवार की तरफ से भी उसमें एफ आई आर की बात कही जा रही है। जब मैं इन्होंने मेरे पास फ़ोन करा था 4 बजे फ़ोन करा था तभी मैं यहाँ पे 4:44 पे यहाँ पे आ गई। 4:44 पे यहाँ पे आने के बाद सिस्टर को दिखाया, सिस्टर बोली आधे घंटे के अंदर हो जाएगा। 5:45 बच्चा हुआ, 5:45 बच्चा होने के बाद बच्चे में हल्की सी सांस आई थी बस, उसके बाद बच्चे को ऑक्सीजन लगाया, मुंह से भी सांस दी, मालिश भी करी, बहुत सब कुछ करा बच्चे के संग में, मतलब बच्चे में दोबारा सांस नहीं आई। दोबारा सांस नहीं आने के बाद बहुत कोशिश, फिर मैं संगत दर्जी के पास गई, उन्हें बुला के लेके आई, उन्होंने ट्रीटमेंट सारा करा जो करना था उनका, उन्होंने सब करने के बाद फिर बात को हमसे बोले ऐसा है बच्चा तो है ही नहीं सही और तुम ऐसा करो बच्चे को ले जाओ। और इसको हमने लेबर रूम में से ला के लिटा दिया था, इसको हम अच्छा खासी छोड़ के गए थे। सर अब ये कह रही हैं ये जा गई थी जब उसकी हालत ख़राब हुई थी तो ये गई थी बुलाने के लिए, ये कह रही दो बार सिस्टर के पास गई थी मैं, सिस्टर नहीं आई, सिस्टर थोड़ी देर में आई, तो अब सर यही लापरवाही लग रही है, डॉक्टर की लापरवाही लग रही है। आज के लिए बस इतना ही, और ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.timenews.co पर।